गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर है चैप्टर 5 SST वाटर, जिसमें आपने ओशन की वेव्स के बारे में जाना। सबसे पहले आपने सुनामी के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट आपका है टाइड्स, टाइड्स यानी लहरें, लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स, जिसको हिंदी में हम ज्वार और भाटा की लहरों के रूप में जानते हैं। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। इट इज लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर। इसमें हाई टाइड्स और लो टाइड्स के सिम्टम्स बताए गए हैं। ये रिदमिक होता है, रिदमिक रिदम यानी लय, लयबद्ध होता है, लयबद्ध तरीके से, यानी एक बार हाई टाइड तो एक बार लो। रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे, यानी एक ही दिन में दो बार ऐसा होता है। इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर। हाई टाइड तब कहा जाता है जब किनारे का लार्जर पार्ट जो है लहरें कवर कर लेती हैं, यानी बहुत ऊपर तक उठकर बहुत दूर तक किनारे को कवर करती हैं, वापस जाती हैं समुद्र की तरफ। इट इज लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल एंड रिसीड फ्रॉम द शोर। लो टाइड्स होती हैं जब धीमी धीमी लहरें अपने सबसे नीचे स्तर पर बहकर किनारे तक आती हैं और वापस जो है अंदर समुद्र की तरफ जाती हैं। ये क्या है, नियोप टाइड और स्प्रिंग टाइड। सन अर्थ मून, सन अर्थ मून, सन अर्थ मून, यहाँ पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा उसकी पोजीशंस के हिसाब से टाइड्स को जो है डिफाइन किया गया है। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस काउजेस द टाइड्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से सूर्य और चंद्रमा की तिथि पृथ्वी से डिसाइड होती है, उसकी वजह से टाइड्स आती हैं। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून ग्रेविटेशनल फोर्स एंड काउजेस हाई टाइड। जब चंद्रमा जो है पृथ्वी से नजदीक होता है तब उसका ग्रेविटेशनल फोर्स और ये पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, एक सेकेंड, द वाटर इज ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून, जब पृथ्वी का पानी चंद्रमा के नजदीक होता है गेट्स पुल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उस पे एक खिंचाव होता है चंद्रमा की तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, कि पानी जो है नजदीक होने का मतलब क्या है समुद्र के पानी का चंद्रमा से, कि चंद्रमा से पृथ्वी की स्थिति नजदीक है, तो जो चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स है, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वजह से इसमें एक खिंचाव सा होता है और हाई टाइड्स आती है, यानी मून की तरफ उठते हुए समुद्र की लहरें जो है हम लोगों को ऊपर दिखाई देती है। कि क्यों होता है, क्योंकि वो लहरें जो है खिंचाव महसूस करती है चंद्रमा के द्वारा। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डे, ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन। दूसरी पोजिशन आप देख रहे हो, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक ही लाइन में है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में है चंद्रमा। ऐसा फुल मून के दिन होता है यानी पूर्णिमा के दिन, और जब न्यू मून डे स्टार्ट होते हैं यानी जब छोटा छोटा जो चंद्रमा होते जाता है धीरे धीरे। एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट, तो उस समय जो है टाइड्स एकदम हाईएस्ट होती हैं क्योंकि सूर्य का भी प्रभाव कम होता है। दी टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स, उस समय इसे स्प्रिंग टाइड्स कहा जाता है, ठीक है। बट वेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, जब आप इसको फर्स्ट या लास्ट क्वार्टर पे देखते हो यानी घटते घटते काफी घट गया होता है और बाद में अमावस्या भी आने वाली होती है। द ओशन वाटर गेट्स ड्रॉन इन डायग्नोटिकली ऑपोजिट डायरेक्शन बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन। सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है, लहरें ऊपर नहीं उठ पाती, चंद्रमा की तरफ नहीं जा पाती, बल्कि खिंचाव महसूस करती हैं पृथ्वी की तरफ और टाइड्स जो है वो लो हो जाती हैं। दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स, और इन्हें जो हम नीप टाइड्स के रूप में जानते हैं, ठीक है।
ये पहली पिक्चर में आप देख सकते हो, निप टाइड्स। पहली दोनों सिचुएशंस हाई टाइड और लो टाइड्स की जो है स्प्रिंग टाइड है, सॉरी हाई और हाईएस्ट की, और निप टाइड्स यानी लो टाइड्स। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग जो है मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे या मुझे कॉल करके पूछिएगा, आई विल गोइंग टू एलाबोरेट इट अगेन ऑल्सो। दीज टाइट्स आर कॉल्ड नीप टाइट्स, फिगर 5.5 कंसिडर कर सकते हो। एक बार आपका होमवर्क यही होगा कि एक बार फिर से आप इस पैराग्राफ को पढ़ के एक बार फिर से समझने की कोशिश करना। इसका डायग्राम जो है आप लोग ड्रॉ करेंगे और हर एक पिक्चर के आगे उसका जो दो लाइन तीन लाइन बनता है वो लिखेंगे, ठीक है। दिस इज द होमवर्क फॉर टूडे। ये होमवर्क आप लोग जरूर करेंगे और चाहे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे या ग्रुप में आप सेंड करेंगे, ठीक है। यही आपका रिवीजन भी होगा। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर, दिस हेल्प द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली। हाई टाइड्स के दौरान क्या होता है, इनका नेविगेशन जो होता है टाइड्स का वो किनारे की तरफ ज्यादा होता है, बार बार किनारे की तरफ लहरें आती है तेजी से, तो इससे क्या होता है, नेविगेशन का मतलब ये नाविकों के लिए जो जहाज चलाते हैं उनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि इस समय आसानी से किनारे पर जहाज लग जाते हैं। हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग, मछली पकड़ने के व्यवसाय में भी फायदा होता था। हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग, मैनी मोर फिश कम क्लोजर द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड्स। बहुत सारी मछलियां वेव्स की वजह से जो है किनारे के नजदीक आ जाती हैं हाई टाइड्स के दौरान। दिस एनेबल्स फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटीफुल कैच, और इस वजह से मछुआरों को मदद मिलती है बड़ी अच्छी मात्रा में मछलियों को पकड़ने की। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस। पानी के उठने और गिरने की वजह से लहरों में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की क्षमता बढ़ जाती है, और कई जगह आपने देखा होगा कि हाइडल पावर प्लांट्स भी लगे होते हैं टाइड्स पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल से जो है ओशियन करेंट्स, ठीक है, कल समुद्री लहरों के बारे में हम जानेंगे फिर, ओशियन करेंट्स नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय।